मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को मध्याह्न भोजन बनाकर खिलाने वाली रसोईया महिलाओं को सरकार सिर्फ 2,000 रुपए प्रति माह देती है। इस राशि में रसोईया अपने घर का भरण पोषण नहीं कर पाती हैं। कई महीनों और वर्षों से इन रसोईया महिलाओं के द्वारा वेतनमान बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार चुप है। अब चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में रसोईया महिलाओं ने एक बार फिर आंदोलन प्रदर्शन के जरिए सरकार को अपना वेतन बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की है। ये तस्वीरें छतरपुर जिले की हैं, जहां बक्सवाहा ब्लॉक की कई रसोईया महिलाएं भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और अपना वेतनमान बढ़ाने की मांग की। मैं बक्सवाहा से हूँ, विवेक जैन मेरा नाम है, भारतीय किसान संघ से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ ये पूरे छतरपुर जिले की महिलाएं आई हैं, खासकर बक्सवाहा ब्लॉक से रसोईया संघ से। तो ये महिलाएं रसोईया हैं, खाना बनाने का स्कूलों में काम कर रही हैं कई वर्षों से। इनको मात्र 2,000 रुपये वेतन मिलता है। ये अपनी मांगों को लेकर जिला में कलेक्टर साहब के यहाँ आई हैं कि हमारा वेतनमान कलेक्टर रेट पर किया जाए। इसलिए ये लोग 100 किलोमीटर दूरी से छतरपुर जिला पर आई हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। जी कहाँ पर ज्ञापन सौंपा है? डिप्टी कलेक्टर महोदय को चौधरी जी को ज्ञापन सौंपा है और सभी रसोइयों के साथ।